नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस डेवलपमेंट की सीरीज में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, चाहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की हो या आप कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कराते हो। उसके बाद अगली वीडियो में हमने बात की थी सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में, और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को ठीक से समझ लेते हैं तो हमारे बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाना बहुत अधिक आसान होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में दोनों में डिफरेंशिएशन समझना भी बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन होता है टॉप लेवल का मैनेजमेंट, दैट कैन बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, और वो लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट करने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, उन सभी लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट कहते हैं। जबकि मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मिडिल एंड लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ या स्टाफ का मैनेजमेंट करते हैं, वो लोग मैनेजमेंट में आते हैं। इसीलिए इस बात को ठीक से समझना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का है, जबकि मैनेजमेंट का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाई गई पॉलिसीज और बनाई गई बिजनेस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में लाने का है, उस पर अमल करने का है। फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत समय पहले ये कहा जाता था कि बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए मनी एंड मशीन का सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। मतलब अपने पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना है और उससे कैसे बढ़िया प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस को हम स्केल अप करते जाते हैं, जैसे जैसे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। इसका मतलब ये कहा जाने लगा कि मैन, मनी एंड मशीन, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है मैन। यदि हम मैन मैनेजमेंट के बारे में समझ लें, ठीक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को समझ लें, तो हम आसानी से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, और वो मैनेज्ड ह्यूमन रिसोर्स हमारे बिजनेस को डेवलप करने में हमेशा सपोर्ट करता है। जितने भी लोग मैनेजमेंट में आपके साथ काम करते हैं, उन लोगों के अंदर ये 7 स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जा सकते हैं। और उन 7 स्किल्स में से सबसे पहली जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो ये मैनेजमेंट का काम है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए ठीक तरीके से मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को या स्टाफ को ठीक तरीके से कन्वे कर सकें, मैसेज को समझा सकें, और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से उनके अंदर ऊर्जा पैदा कर सकें ताकि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। एंड द नेक्स्ट, दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट टीम में बिजनेस को मैनेज करने की स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से वो टूल्स, इक्विपमेंट्स, मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, हर तरह के डिवीज़न को मैनेज करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का ही काम होता है कि वो आपके बिजनेस में बनाई गई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ एग्जीक्यूशन तक लेकर जाए और भविष्य में भी उसको ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए लोगों को कंट्रोल कर सकें। इसीलिए ये ज़रूरी है कि बिजनेस का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उनको आना बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट, दैट इज़ नेगोशिएशन स्किल्स। आपकी मैनेजमेंट टीम में जितने भी लोग परचेज डिपार्टमेंट में हों, उनके अंदर नेगोशिएशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। जब वो ठीक तरीके से नेगोशिएट कर पाएंगे, आपके प्राइस को, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर पाएंगे, तभी आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में ठीक तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे और आप अच्छे प्रॉफिट वॉल्यूम के साथ अपनी कंपनी को एक्सपेंशन की ओर ले जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि नेगोशिएशन स्किल्स आपके मैनेजमेंट में ज़रूर हों। साथ ही साथ किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस जिस बात पर निर्भर करती है वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल। अगर आपका मैनेजमेंट सही समय पर सही काम को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करने में सक्षम है तो आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, और जब आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है, जिसकी वजह से आपका लेवल ऑफ मार्जिन बढ़ जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम मैनेजमेंट केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आई गई इंस्ट्रक्शन को सही समय पर एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड भी होती है। एंड वंस अगेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मार्केटिंग स्किल्स। आपके मैनेजमेंट की टीम में
मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो सही तरीके से प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट मार्केट में कर सकें, सही तरीके से प्रोडक्ट का प्लेसमेंट मार्केट में कर सकें, ताकि आप कंज्यूमर के दिमाग में, कंज्यूमर के मन में अपनी एक छवि बना सकें। एंड द नेक्स्ट दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। फ्रेंड्स, आपके मैनेजमेंट की टीम में प्रेजेंटेशन स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि वो आपकी कंपनी को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आपके प्रोडक्ट को ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तब भी आप अपने बिजनेस में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, बड़ी डील के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को आगे नहीं करना होता, बड़ी डील्स के लिए आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। एक एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी अच्छा बिजनेस प्लान बना ले, कितना भी अच्छा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी पॉलिसीज को डिज़ाइन कर ले, जब तक मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होंगी, वो कभी भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपकी टीम में प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स स्किल। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मैनेजमेंट में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो आने वाले समय में उस प्रोडक्ट में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या उनके सुझाव हो सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को और बेटर बनाया सकता है, मार्केट में उसके शेयर को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है, और साथ ही साथ यदि किसी तरह की कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई गलती या कोई कमी आपके प्रोडक्ट में रह गई है तो उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, इस स्किल का होना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपके मैनेजमेंट में ये 7 स्किल होती हैं तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो भी बिजनेस प्लान बनाएगा, जो भी प्रोडक्ट लेकर आएगा, उसकी सफलता मार्केट में निश्चित है। फ्रेंड्स, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। और अपने बिजनेस को डेवलप करने में यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।